नमस्कार, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर QRM मैकेनिज्म के उपयोग कहां पर किया जाता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के हैं कि इस वीडियो को देखने के पश्चात विद्यार्थी समझ सकेंगे कि क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर QRM मैकेनिज्म के अनुप्रयोग क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, और की कॉन्सेप्ट जो इसमें कवर किए गए हैं वो शेपर मशीन, प्लेनर मशीन एंड अदर मशीन। पुनः हमारे ओरिजिनल वीडियो के अंतिम पोर्शन को हम 4 मिनट से 4 मिनट 24 सेकंड तक देखें, यानी कुल हमें 24 सेकंड की अवधि के दौरान देखने मिलेगा कि एप्लीकेशंस क्या हैं क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर QRM मैकेनिज्म के। तो इस 24 सेकंड की अवधि में आप ये वीडियो देखें। लेट्स रिकॉल कि हमने क्या पढ़ा क्रैंक एंड स्लॉटेड QRM मैकेनिज्म के बारे में और वह कैसे कार्य करता है। क्या में हमने ये देखा था कि कंस्ट्रक्शन में कि काइनेटिक लिंक्स 4 होती हैं, स्लाइडर, क्रैंक, फ्रेम और स्लॉटेड बार, जबकि काइनेटिक पेयर भी 4 होते हैं, जिसमें से 3 ए बी और सी टर्निंग पेयर्स होते हैं जबकि 1 स्लाइडिंग पेयर। हाउ में हमने वर्किंग देखी थी एक चित्र के माध्यम से, जबकि गणना में हमने कोण निकाले थे, रिटर्न स्ट्रोक के दौरान बनने वाला कोण, समय अनुपात, एक्सट्रीम पोजीशन पर स्लॉटेड लीवर का फ्रेम से बनाया गया कोण और कटिंग स्ट्रोक की लंबाई। इस गणना में हमने ये जाना था कि यदि हमें कटिंग स्ट्रोक की लंबाई बदलना हो या समय अनुपात बदलना हो तो इसको हम अल्फा रिटर्न स्ट्रोक के दौरान बनने वाले कोण के द्वारा एडजस्ट कर सकते हैं, अल्टरनेटिवली या क्रैंक रेडियस को। क्रैंक रेडियस इज द मेन फैक्टर जो कि हम वेरी करते हैं। एप्लीकेशंस मुख्य हमारा इस वीडियो का पर्पज है कि हम अनुप्रयोग के बारे में जानें। यह मैकेनिज्म हमारा कॉमनली शेपर और प्लेनर मशीन्स में उपयोग में लाया जाता है, जहां पर कि कटिंग स्ट्रोक मटेरियल्स को रिमूव करता है जबकि रिटर्न स्ट्रोक हमारा आइडल रहता है। इस इमेज का सोर्स बताया गया है आपको। इस इमेज में आप देखें ये शेपर मशीन का मैकेनिज्म है। शेपर मशीन में आप देखेंगे कि ये पूरी बॉडी हमारी यहाँ से यहाँ तक लिंक नंबर 3 है जो कि फिक्स लिंक है, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये हमारी क्रैंक रेडियस है। यहाँ पर आप एडजस्टमेंट के लिए देख रहे हैं कि थ्रेडेड कॉलम दिए हैं, जिससे कि हम इसको यहाँ से एडजस्ट करके बेवल गियर के माध्यम से हम इसको आगे पीछे बढ़ा सकते हैं ओरिजिनली, जिससे कि हमारी जो कटिंग स्ट्रोक की लंबाई को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं या एंगल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस क्रैंक को जो मोशन दिया जाता है वो हम एक पिनियन के द्वारा देते हैं जो कि मुख्यतः मोटर के द्वारा चलाया जाता है। जब हमारी मोटर रोटेट होती है तो उससे हमारा गियर रोटेट होता है, जिस पर हमारी क्रैंक माउंट है। क्रैंक में स्लाइडर जो है वो स्लॉटेड लीवर पर स्लाइड करता है, जिसके कारण कि हमारा स्लाइडर जो है वो ऑस्किलेट करता है। यहाँ पर ये थ्रेडेड पर लगा हुआ है अपना लीवर का एंड, जिसको क्लैंपिंग लीवर के द्वारा लगाया गया है, और ये पूरा रेम जो है हमारा जब लीवर ऑस्किलेट करता है तो आगे पीछे होता है। इस प्रकार आज आपने जाना कि शेपर मशीन में हम क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म को किस प्रकार से उपयोग करते हैं। इस पूरे वीडियो के दौरान जो आपने व्हाट, वेयर एंड हाउ में पढ़ा, जो रेफरेंसेस हमने उपयोग में लाए हैं वो यहाँ पर लिस्टेड हैं, जिसको कि आप अपने रेफरेंस के लिए भी देख सकते हैं, साथ में रिसोर्सेज में भी हैं ये। धन्यवाद।